रहे हैं गुजरात में किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा सरकार। भाजपा की सरकार? हाँ। 27 साल भाजपा ने राज के सारे काम अच्छे किए? अभी अच्छे किए नहीं किए वो तुम ठीक है, मगर आना चाहिए। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, मजूरी है नहीं है, काम धंधे है नहीं है, गरीब परेशान है, ये इतने लोग हैं, किसी को भी पूछ लो कोई विकास नहीं है, कहीं भी पूछ लो आप। फ्री है, सब चीज़ फ्री है, कुछ फ्री नहीं है, वहाँ पे जाते हैं डबल फीस मांगते हैं। गुजरात मॉडल बहुत चमक रहा है। अरे कुछ नहीं चमक रहा, देखिए आने के लिए चमक रहा है बस। बहुत दिक्कत है। महंगाई है, हमारा खुद जानता है कि हम कैसे घर चला रहे हैं। देश के विकास है, इनकी 18 साल की उम्र है और ये आज 10 साल से नौकरी कर रही है, पीछे दिखा दो आप, ये सब बच्चे हैं किसी में। क्योंकि भविष्य उज्जवल करने की बात की तो ये है तो उज्जवल, रोड पे घूम तो रहे हैं, देख रहे हो ना आप भी, दिखा दो कैमरा घुमा के दिखा दो ये सब। नमस्कार, मेरा नाम है तनु और आप देख रहे हैं PRB। गुजरात में आने वाले चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां लगातार यहां पर रैली कर रही हैं और जनता के बीच अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो इसी कड़ी में भी तमाम जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, इनसे जानते हैं क्या लग रहा है गुजरात में किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा सरकार। भाजपा की सरकार? हाँ। 27 साल भाजपा ने राज के सारे काम अच्छे किए? अभी अच्छे किए नहीं किए वो तुम ठीक है, मगर आना चाहिए। आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? काम करते हैं ना लोग इसके लिए। क्या काम करते हैं? वो सुविधा देते हो, रोड बनाया, रिवेन फंड बनाया पब्लिक के लिए, अच्छे अच्छे लीवर फ्रेंड से जनता का पेट भर जाता है? नहीं भरता है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, मजूरी है नहीं है, काम धंधे है नहीं है, गरीब परेशान है और कुछ भी, कोई सरकार का कोई निर्णय नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस अपने अपने में मस्त है सब। मोदी जी तो देश का विकास कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहा, आपको भी दिख रहा है ना विकास, देख रहे हो ना आप भी, मजूरियाँ सब ये सब खड़े हैं सब बिगर मजूरी के, विकास तो कहाँ दिख रहा है बताओ आप। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, राशन पानी कहाँ भाव है, कोई कुछ विकास नहीं है, सिर्फ नाम का विकास है जो शासन में उनका विकास है, बाकी हम लोगों का कोई विकास नहीं है। आप लोगों का विकास? कोई विकास नहीं है, ना कोई बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं है हमारे लिए, सिर्फ मजूरी करो और शाम को राशन पानी की दुकान पर दे दो और घर जाके सो जाओ। मोदी जी कहते थे हर वर्ग तक विकास, कहाँ है आप भी बताओ, आप बताओ कहाँ है विकास, ये इतने लोग हैं, किसी को भी पूछ लो कोई विकास नहीं है, कहीं भी पूछ लो आप। फ्री है, सब चीज़ फ्री है, कुछ फ्री नहीं है, वहाँ पे जाते हैं डबल फीस मांगते हैं। गुजरात मॉडल बहुत चमक रहा है बाहर। अरे कुछ नहीं चमक रहा, देखिए आने के लिए चमक रहा है बस। बोलने की बातें हैं, बोलने में अच्छा लगता है, करने में नहीं, करने में नहीं अच्छा है, बोलने में तो कोई भी बोल सकता है लेकिन करो उस काम को करके बताओ। जो बोलते हैं वो काम करते नहीं। कहाँ पे हो रहा है आप बताओ, आप गटरों का देख लो, रोड का सुविधा देख लो, कहीं कुछ दिख रहा है आपको? ट्रैफिक देख लो आप, ट्रक चला गया खड्डे में, वहाँ पे आगे सवेरा होटल के पास में पूरा ये कचरे का, ये म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी पूरा नीचे उतर गया, बोलो। रिवर फ्रंट भी बनाया है मैडम, रिवर फ्रंट से हमारा पेट भरेगा आप बताओ, रिवर फ्रंट पे खर्चा होगा जाने से, पेट थोड़ी भरेगा हमारा, कुछ ऐसा करो मतलब पैसे वेस्ट हुए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन उसमें हमारा क्या फायदा है? क्या लग रहा है इस बार जो गुजरात की जनता है वो किन मुद्दों पर वोट देगी, क्या काम है जो इन पर वोट देने वाले हैं? जो रोजगार वालों के लिए देना चाहिए उनको वोट, जो रोजगार चला सके आदमी उनको देना चाहिए ना वोट। तो रोजगार कौन देगा आप लोगों को? जो देगा केजरीवाल आ रहा है, कौन है वो वोट देगा? 27 सालों के बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, कुछ रोजगार नहीं है। हाँ। सब लोग ऐसे ही भटक रहे हैं अपने अपने रास्ते। महंगाई है नहीं है? नहीं है, नहीं महंगाई तो भाई ऐसे गरीब लोगों के लिए बहुत महंगाई है, अमीरों के लिए क्या महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। तो गरीब लोग परेशान हैं महंगाई? हाँ हैं, बहुत परेशान है, कुछ इतना कमाते कुछ बचत ही नहीं होती है उसमें। क्या नाम है? आज़ाद। आज़ाद जी कैसा माहौल है यहाँ पर इस बार गुजरात में? माहौल तो बहुत खराब है। खराब है किसके लिए खराब है? सब गरीब लोगों के लिए खराब है, जो जिसके पास पैसा है वो तो कमा खा रहे हैं, जो गरीब लोग मजूरी कर करके खा रहे हैं, कोई बाटला भी 1200 का हो गया है, तो मजदूर लोगों के लिए बहुत तकलीफ पड़ रही है। मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें तकलीफ? हाँ उनको तकलीफ हो रही है सब। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या करें आपके लिए? क्या चाहते हैं? विकास चाहिए और क्या है, अच्छा हो गया सब, स्कूल बने, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मजदूरों के पैसे वालों के तो पढ़ते हैं, मजदूर लोगों के नहीं पढ़ पा रहे हैं, मजदूरी कर करके पेट भरे ना, बच्चों को पढ़ाएं क्या करें? वेतन जो मिलता है उससे घर चलाने में दिक्कत है? हाँ वेतन जो मिलता है बहुत दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है। महंगाई है नहीं? हमारा दिल जानता है कि हम कैसे घर चला रहे हैं। हाँ आप सभी काम करते हैं यहाँ पर? हाँ मजूरी करते हैं। हाँ तो महंगाई है नहीं है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, मजूरी कम मिलती है और उसमें घर चलता नहीं है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आप लोगों के लिए राहत के लिए कुछ करा किसी सरकार ने? कुछ नहीं किया होता तो इस पे दौर होते, कुछ अच्छा करते।
किससे उम्मीद है कि आएंगे तो कर देंगे? केजरीवाल से। हाँ, मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी तो होते तो क्या मैडम, ये देश का विकास है। इनकी 18 साल की उम्र है और ये आज 10 साल से नौकरी कर रही है। पीछे दिखा दो आप, ये सब बच्चे हैं, किसी के भी तो चाइल्ड लेबर हो गया। अच्छा, ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तमाम, और ये नौकरी कर रहे हैं पिछले 5-10 सालों से। तो पर मोदी जी तो कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं चाइल्ड लेबर खत्म कर रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है मैडम? ये सब बेरोजगार हैं, घर चलाने के लिए इंसान क्या करे? चोरी तो कर नहीं सकता भाई, माँ बाप हैं, उनका पेट जलता है। क्या हमारा बच्चा भूखा सो रहा है तो क्या करेंगे? कोई गैरेज में लगा दिया, कोई कहीं लगा दिया, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, देखो सामने ये सब पूरे में। क्योंकि भविष्य उज्जवल करने की बात की थी तो ये है तो उज्जवल, रोड पे घूम तो रहे हैं, देख रहे हो ना आप भी, दिखा दो कैमरा घुमा के दिखा दो, ये सब ये बच्चों का भविष्य है। ये सारे बच्चे हैं और ये सभी मजदूरी करते हैं। वो सामने बैठे ये सब बच्चे ही है, तमाम बच्चे हैं और ये सभी मजदूरी कर रहे हैं पिछले 5-10 सालों से। जिन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने की बात की थी वो इस तरीके से उज्जवल हो रहा है, आप जरूर देखिए। क्या नाम है? नरेश। नरेश जी, कैसा माहौल है इस बार, किसकी पार्टी आनी चाहिए? हमारा तो मोदी साहब है। मोदी साहब है, मोदी जी। अच्छा, 27 साल में सारे काम कराए मोदी जी? हाँ। खुश है उनके कामों से? दो काम बताइए जिससे बहुत खुश हैं। ये जैसे रास्ता बन गया है। हाँ। पर ये लोग कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी। बनी तो है, बनी है सड़कें। और बताइए कहाँ पे बनी है सड़कें? बताइए कहाँ पे बनी है सड़कें? ये सब बड़ा बड़ा रास्ता बना है ना। कहाँ पे बड़ा बड़ा रास्ता? हाँ, मोहल्ले जो गलियाँ हैं उनमें विकास है कह रहे हैं। कहाँ पे है विकास बताओ हमको, बताओ आप कहाँ पे है विकास? कितने समय से चाय बना रहे हैं? 15 साल से। गढ़ है ये, चाय वाले का गढ़ है, कैसा लग रहा है? आएंगे दोबारा चाय वाले? आएंगे। मोदी जी ने सारे काम कराए हैं? हाँ, बहुत काम कराए हैं। और किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? सरफराज। कैसा लग रहा है, किसका माहौल है इस बार, किसकी लहर है? माहौल तो अभी मीम पार्टी का, MIM का माहौल लगता है यहाँ पे जी माहौल। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो काम कराएंगे। केजरीवाल जी कैसे काम कराएंगे यहाँ पे, लग नहीं रहा ऐसा काम करा, नहीं मुश्किल लग रहा उनका। तो आप क्यों समर्थन देते हैं MIM? हर मुद्दे पे बोलती है वो, दलित मुस्लिम के हर मुद्दे पे वो MIM बोलती है, तो उसका समर्थन करेंगे ना मैडम? मोदी जी को समर्थन क्यों नहीं देते? मोदी जी समर्थन मोदी क्यों नहीं देते? 27 साल राज। हाँ बराबर है, 27 साल राज किया, अब कुछ किया तो नहीं ना। कुछ विकास का मामला है नहीं, बस बड़े बड़े काम खाली हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ऐसे बड़े बड़े काम जो किए, जो दिख रहे हो काम किए, बाकी जो विकास जो होना चाहिए एरियों में, जो गली मोहल्लों में, वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। पानी की तकलीफ है, गटर लाइन की तकलीफ है, जो होना चाहिए वो काम नहीं हुआ, नहीं जो गली मोहल्ले हैं बेसिक जो नीड है, बेसिक फैसिलिटी वो काम नहीं हुआ है, बाकी तो बड़े बड़े काम तो जो दिख रहे हो वो हुए हैं, बाकी बेसिक काम नहीं हुआ है। मतलब हाथ जोड़ कर आते हैं और फिर वोट लेने के बाद पूछते भी नहीं है? पूछते भी नहीं है, दिखाते नहीं है ना, घर पे नहीं है, फोन पर बोले तो फोन नहीं लगता है, ऐसा करता है, धक्का खिला गरीब लोग को ऐसे। तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन्हें करवाने के लिए आपको बहुत मुश्किल होती है? मुश्किल तो घनी होती है, किसको बतावे आप? हाँ। सुनता नहीं है कोई आजकल, नहीं कॉरपोरेटर सुनता, नहीं कोई पार्टी सुनती, कोई भी। मोदी जी का गढ़ माना जाता है, कहते हैं कि मोदी जी यहाँ से प्रधान। खाली गढ़ माना जाता है, काय को गढ़ माना जाता है? नहीं मानना चाहिए ना, काम करना चाहिए पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए। काम मांग रही है? हाँ मांग रही है, और गरीबी कितनी दूर करना चाहिए, वो कहाँ हुई? वो कह रहे थे रोजगार दे रहे हैं। कहाँ देते, देखो कितना घूमते हैं रोजगार, तुम देखो नाके पे आओ सुबह में, वासन है नाके पे, कितना गरीबी है। अब काम नहीं देखती? पहले 400 रुपए का बाटला था तो लोग है ना डांस करते थे रोड पे लेके, अभी कितने का बाटला है? 1100 का है ना, अभी कोई बोलता है? अभी कोई नहीं बोलता है, ये नहीं बोलते है। क्यों नहीं? तो सब वो सब ऐसा ही है, कौन बोलेगा? कौन? हाँ जाते हैं तो वो फंस जाते हैं बेचारे, इंसान क्या करेगा। कैसा लग रहा है इस बार गुजरात में, माहौल क्या है? माहौल तो नॉर्मल ही है जैसा है पहले। किसकी पार्टी आनी चाहिए? पार्टी तो जिसकी भी आवे, पार्टी अच्छी आनी चाहिए बस। क्या काम करानी चाहिए पार्टी? काम तो पहली बात तो ये है कि महंगाई बहुत है अभी। हाँ महंगाई बहुत है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जैसे ये गरीब बच्चे शिक्षा करते हैं इसको भी थोड़ा वो ध्यान में रखना चाहिए। 27 साल बीजेपी रही, महंगाई कम नहीं हुई? जी महंगाई तो कम नहीं हुई, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। इस बार केजरीवाल भी कह रहे हैं राहत देंगे, उम्मीद लग रही है उनसे? नहीं लग रही? उम्मीद तो लग रही है, ऐसा बोल रहे तो ऐसा लगता है कि करेंगे वो काम। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और आपने वीडियो में सुना ही, तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं तनु PRB से।